गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नाउ इन दिस सेशन विल डिस्कस अबाउट बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन? इट मींस आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो क्या क्या बाधाएं होती है और आती है, वो सारे पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन वी हैव फिजिकल बैरियर. व्हाट इज फिजिकल बैरियर? In any communication, there is a two-way process. One is sender, another one is receiver. So, in between, we have noise, otherwise environmental factors to stop that communication or make it barrier. So, such type of things, it's called physical barrier. So this we can call physical barrier. जब किसी दो आदमी के बीच कोई barrier हो, मतलब यदि हम दो people मिल के बात कर रहे हैं एक दूसरे से और बीच में कोई loudspeaker बजा दिया, तो that is the barrier of your communication. आप कुछ बातें सुनोगे कुछ नहीं सुनोगे. Noise, it will come in front of both of them. तो ये फिजिकल बैरियर में आता है. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. की पॉइंट नेक्स्ट वन इज पर्सनल बैरियर. व्हाट इज पर्सनल बैरियर? पर्सनल फैक्टर लाइक डिफरेंस इन जजमेंट, सोशल वैल्यू, एटीट्यूड, प्रेशर ऑफ टाइम, इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट एक्सेट्रा, दीज आर द पर्सनल बैरियर. ऑल्सो कैपेबिलिटी गैप. These are the personal barrier. What is it? So if you'll go like attitude, if you have attitude, then you will communicate or you will not communicate. That depends on you. Like some hesitation you have. आपके पास कोई ऐसा feelness हो कि मैं बात करूँ, अरे हट छोड़ो यार कौन बात करता है. That's also one type of barrier inside you. That is the personal barrier. और आपको अंदर में आएगा व्हाट टू से, व्हाट टू डू, लाइक दैट यू विल गेट सम हेजिटेशन इनसाइड यू. सो दीज आर द थिंग्स इट विल योर पर्सनल. सो वी आर गोइंग फॉर पर्सनल बैरियर ऑल दीज पॉइंट्स. नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर. यदि आप लैंग्वेज जानते हो हिंदी और दूसरा बंदा सामने वाला वो हिंदी नहीं जानता, दैट्स ऑल्सो इट्स प्रॉब्लम फॉर कम्युनिकेटिंग विद देम. सो दैट इज ऑल्सो लैंग्वेज बैरियर. आप कुछ बोलो बोलिएगा कुछ, वो समझेगा कुछ. यू कैन से समथिंग, दे विल गेट समथिंग. सो दैट इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम. सो द सम वर्ड एंड सिंबल कैरी डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट सिंबल इफ लैंग्वेज बैरियर इज देयर इन फ्रंट ऑफ sender and receiver. So next is status or position barrier. आपका status high है, if you are in good status or position, good position पे हो, तो आप directly बात नहीं कर सकते किसी या कुछ भी काम directly नहीं कर सकते in front of everyone. That is the one directly you can't communicate to lower people. You will feel hesitation because some difference, some distance you should maintain. Like if you are the principal in any college, so definitely you will not talk to that non-teaching people every day. That is some few days you will walk and you will say, yeah, how are you, like that you will ask, but you will never talk daily or regularly to them because some distance you have to maintain. And in same way you will talk such a people who are colleague, like faculty, who are HODs, you will talk regularly, same principle. So that's the position barrier. So aapke samne ek barrier hota hai baat karne, ek distance maintain karne ka, wo bhi ek barrier hai communication ka. Next if you'll go
लाइक आई विल रीड स्टेटस और पोजिशन बेरियर. स्टेटस और पोजिशन बेरियर इन द हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल बेरियर दैट ऑब्स्ट्रक्ट फ्री फॉल ऑफ इंफॉर्मेशन. जस्ट लाइक आई सेड ऑलरेडी, जस्ट लाइक प्रिंसिपल. सो नेक्स्ट इफ यू विल गो फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेरियर. व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेरियर? कोई भी कंपनी में उसका स्ट्रक्चर, अपना एक फंक्शन, अपना एक सिस्टम होता है, और उस सिस्टम में लेयर बाय लेयर मैन काम करते हैं. जस्ट वन लेयर टॉप लेवल मैनेजमेंट, नेक्स्ट लेवल मैनेजर, नेक्स्ट लेवल टीम लीड, नेक्स्ट लेवल वर्कर्स, सो लाइक दैट. नेक्स्ट लेवल सम क्लीन पीपल, सो मेनी थिंग्स इज देयर. सो इन ऑल लेयर देयर इज ए सम, लाइक वो थोड़ा थोड़ा लेयर में एक नॉलेज होता है जो दूसरा लेयर नहीं जानता है. उसके लोअर पोजिशन वाले वो बातों को वो नहीं जानता है, वो हाइड करता है. द स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग सेवरल लेयर ऑफ मैनेजमेंट. द बैक ब्रेक डाउन और डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन विल अराइज. एवरी लेयर कट ऑफ ए बिट ऑफ इंफॉर्मेशन. आई सेड ऑलरेडी कि सभी लेयर थोड़ा ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन कट करता है नीचे वाले लेयर से. सो बिकॉज वी आर ऑन द टॉप देन दैट इज द बेरियर. नीचे वाला वर्कर्स क्या करता है, वो पूछ भी नहीं सकता उससे ये इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों नहीं मिली पहले. सो दैट इज द वन टाइप ऑफ बेरियर दे होल्डेड. सो वी आर कॉलिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेरियर. नेक्स्ट विल गो फॉर इमोशनल एटीट्यूड. अभी आपके पास इमोशनल एटीट्यूड हो, सो दैट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ बेरियर यू कैन से. बेरियर मे ऑल्सो अराइज ड्यू टू इमोशनल एटीट्यूड बिकॉज वेन इमोशन आर स्ट्रांग इट इज डिफिकल्ट टू नो द फ्रेम ऑफ माइंड ऑफ अदर पर्सन और ग्रुप. यदि उसका इमोशन स्ट्रांग हो तो कभी उस पर्सन का, वो पर्सन को जान ही नहीं पाएंगे उसके माइंड को कि वो क्या सोच रहा है. सो दैट्स द ऑल्सो वन टाइप ऑफ इमोशन बैरियर, इमोशनल बैरियर यू कैन से. एंड अदर टाइप ऑफ बैरियर ऑल्सो इज देयर, लाइक सच एज अनक्लियरलीफाइड एजुम्सन्स. कोई एजुम्सन्स लिखा हुआ है वो पूरा क्लियर तरीके से नहीं लिखा हुआ, दैट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ बेरियर. यू विल नॉट गेट दैट करेक्टली. सो नेक्स्ट इज लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट. कई पर्सन के पास बात करने का क्षमता नहीं होती है. वो लैंग्वेज भी पता है उसको, सारा कुछ पता है, उसके सामने वाला लैंग्वेज वही चीज़ बात करता है, पर उसको डर लगता है. दे हैव हेजिटेशन टू से समथिंग. सो दैट्स द ऑल्सो लैक ऑफ एबिलिटी फॉर कम्युनिकेटिंग टू अदर पीपल. नेक्स्ट इज मैरिज. आपकी शादी होती है, बहुत नॉलेजेबल लड़की से शादी हो गया, लड़का से, आप लड़की हो तो लड़का से शादी हो गया, तो आप हेजिटेट करते हो, आप थोड़ा सा आपके अंदर हेजिटेशन होता है. दोनों लैंग्वेज सेम है, सब कुछ सेम है, बट यू हैव हेजिटेशन. वाओ, ही इज़ नॉलेजेबल, सो हाउ कैन आई टॉक. या सो लाइक आपको क्लोज माइंड, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, लाइक बहुत कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गया या लड़के से शादी हो गया, तो उससे कैसे कम्युनिकेट करें, दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम. वी कैन नॉट लाइक उसके उसको समझा ही नहीं सकते. सो दैट्स द ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. सो दैट्स द ऑल्सो वन टाइप ऑफ बैरियर. सो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ओवरलोडेड. ओवरलोडेड इट मीन्स शॉर्टेज ऑफ टाइम. सो कहीं पे टाइम शॉर्टेज रहता है, जैसे आप कहीं कुछ खरीदने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं, तो आप कुछ भी बोलते हो वो दुकान वाला नहीं सुनता, कुछ और को दे रहा होता है सामान. दैट्स ऑल्सो वन टाइप ऑफ बैरियर ओवर देयर, दैट इज ओवरलोडेड. ओवरलोडेड और शॉर्ट ऑफ टाइम, दे डोंट हैव टाइम. सो दीज आर द मेन थिंग्स और मेन की पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन
और फॉर बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, किसी भी कम्युनिकेशन को रुकावट जो डालती है, ये सारे की पॉइंट्स हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और यू हैव टू गो फॉर गुड नोट्स, मेक इट नोट्स एंड मेक इट असाइनमेंट। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।